यहाँ आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार। अच्छा, यहाँ आप किस लिए आए हैं? मोबाइल नंबर जुड़वाने आधार कार्ड से। अच्छा, तो क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, वो तो कर रहे हैं लोग, पर्ची देते हैं। कितना दिन हो गया आपको आए हुए? हो गया 25 दिन। 25 दिन। पैसा वैसा भी कुछ लगा है? 100 रुपया दिए हैं। तो क्यों दिए हैं आप 150 रुपया? मांगे रहे हैं लोग, तब क्या करें। अब लीजिए, 150 रुपया इसलिए दिया जाता है कि 10 दिन अपने काम छोड़कर और ये छोटे छोटे बच्चे लोग और ये महिला बोल रहे हैं नीतीश कुमार की महिला को मैं सुरक्षा करता हूँ, ये करता हूँ, महिला लोग 5 दिन से आ रहा है एक आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए 50 रुपया निर्धारित रेट है और 150 रुपया लिया जाता है। 15 दिन से बच्चे लोग दौड़ रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बेखाए पिए हुए आए हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को मैंने फ़ोन से बात करके ये अवगत करवा दिया हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिला अधिकारी महोदय से भी आग्रह है कि कम से कम आधार कार्ड सेंटर 2 खोला जाए। कहता 18 पंचायत है, एक पंचायत के लिए हर पंचायत कटसा जुगनी परसा संडलपुर गरखा के बॉर्डर के पास से लोग व्यक्ति आते हैं, ऐसी समस्या ना हो। ये बच्चा बेखाए पिए आए हुए हैं, इनकी निर्धारित रेट हो। टूना जी एक मिनट, यही एक बताइए कि अगर एक ही अगर सुचारू ढंग से चले और डेली बेसिस पे खुले अपना टाइम टेबल से जो है तो एक ही दिन में सब हो जाएगा। आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दायित्व है। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय यहाँ पर लगवाएंगे, प्रखंड का मालिक वो है, आप नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई मुखिया नहीं है। ये सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को मैं टेलीफोन के द्वारा दे दिया पूरे जनता के सामने और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से बहुत हमको उम्मीद है कि इस बच्चे को निर्धारित रूप से ये महिला जिनके घर के बेटी बहू है, मेरी बेटी बहन दाखिल है, इन लोग को एक निर्धारित रेट हो और जो गरीब व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं हो उस व्यक्ति को भी आधार कार्ड बनना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मैं ये भी आग्रह कर रहा हूँ और जिला अधिकारी महोदय से कि एक बच्चे के पास जिसके पास 1 रुपया नहीं हो उसका भी आधार कार्ड बनना चाहिए। इस सरकार के जो नीतियाँ है प्रधानमंत्री मोदी जी को, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है किसी शास्त्र में कि जिसके पास पैसा ना हो उसका नहीं बनेगा, उसको भी बनना चाहिए और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनवाना चाहिए। सही बात, नाम आपकी बात। और ये प्रखंड कार्यालय में सरकार तक पहुंचनी चाहिए। सही बात। और ये जो लाभ है यूरिया के कलाबाजार जो था 600-600 रुपया में बिका और प्रखंड आपका कितना दिन से काम लटका हुआ है? यूरिया किसान के पास यदि मिला 266 रुपया में, प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीओ साहब का योगदान साल भर से।